सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, है बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए ऐसे मुसलमानों की जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। यानी कि भारत में मौजूद मुसलमानों की एक ऐसी यूनिक कम्युनिटी जो सनातन धर्म की फिलोसफी का पूरा सम्मान करती है। इस कम्युनिटी के ज्यादातर मुस्लिम्स हिंदू फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। हम तो सभी को मानते हैं और मानते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मस्जिद में आओ नमाज पढ़ें, और आप लोग ये नहीं कहते हैं कि आप मंदिर में आओ या आरती करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने आरती भी की? जी की ना। तो इसमें क्या है, इससे पहले कभी आपने आरती की? बहुत सी बार। आज भी आपने की, कुछ अलग लगा? कुछ भी अलग नहीं। और बीजेपी से भी इस कम्युनिटी का एक गहरा रिश्ता है, बावजूद इसके कि बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम्स पार्टी के रूप में देखा जाता है, पर फिर भी इस कम्युनिटी के मुस्लिम्स बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन होते हैं बोहरा मुस्लिम्स, क्यों ये हिंदुओं से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और आखिरकार क्यों ये अपने आप को दूसरे मुसलमानों से इतना ज्यादा अलग मानते हैं, जिसके कारण आज इस यूनिक मुस्लिम कम्युनिटी के चर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मुसलमानों की इस यूनिक कम्युनिटी को कहा जाता है बोहरा मुस्लिम्स या फिर दाऊदी बोहरा मुस्लिम्स। बोहरा शब्द गुजराती वर्ड बहारू से आया है, जिसका मतलब होता है व्यापार और व्यापारी। और इनके इस यूनिक नाम से आप ये बात समझ ही सकते हैं कि क्यों इन मुस्लिम्स के आगे बोहरा वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्टली मुस्लिम्स इस कम्युनिटी में ट्रेडर्स, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इसलिए इनको बोहरा मुस्लिम्स कहा जाता है। और साथ में ही इस कम्युनिटी को मुसलमानों की सबसे अमीर समुदाय भी माना जाता है, जो अपने व्यापार और शांति समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। पर दोस्तों, बोहरा मुस्लिम्स केवल अपने बिजनेस माइंड के कारण ही दूसरे मुस्लिम्स से इतने ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि इस कम्युनिटी का इस्लाम को मानने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है दूसरे मुसलमानों से। इतना अलग है कि बोहरा कम्युनिटी की महिलाओं को ब्लैक बुर्का, ब्लैक हिजाब पहनने और मुंह ढकने से सख्त मना किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में बोहरा मुस्लिम्स की पॉपुलेशन लगभग 15 लाख के करीब है। ये कम्युनिटी ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में पाई जाती है। कहा जाता है कि बोहरा मुस्लिम्स का ओरिजिन गुजरात है, क्योंकि पहले ये गुजरात के कारोबारी हिंदू हुआ करते थे, जिनका इजिप्ट से आए हुए मुसलमानों ने धर्म बदलकर इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। और बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि अभी भी गुजरात में बोहरा हिंदू बसते हैं। बोहरा कम्युनिटी के ये वो हिंदू हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसीलिए ये अभी भी बोहरा हिंदू ही है, जो गुजरात में अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब जानते हैं कि बोहरा दूसरे मुस्लिम से कितने ज्यादा अलग होते हैं, यानी कि इस्लाम को देखने का इनका नजरिया कितना अलग होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भारत में मुसलमानों की केवल दो ही जातियां हैं, जिनको सुन्नी और शिया कहा जाता है, पर शायद ही उनको ये बात पता होगी कि मुसलमानों की इन दो जातियों में भी बहुत सारी जातियां यानी कि फिरके मौजूद होते हैं, जो मुस्लिम्स को उनके अलग अलग कल्चर और अलग अलग मान्यताओं पर डिवाइड करती हैं। जैसे कि बोहरा मुस्लिम्स को इस्लाम की शिया और सुन्नी कम्युनिटी में डाला गया है, पर फिर भी ये शिया और सुन्नी मुसलमानों से काफी ज्यादा अलग हैं। बोहरा मुस्लिम्स अपनी पहचान प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील और उन्नतिशील के तौर पर करता है। बोहरा समुदाय के पुरुष और महिलाएं के तौर तरीके और मान्यताओं से देश के मुसलमान इनसे काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। जैसे कि बोहरा मुस्लिम्स महिलाएं काले रंग के बुर्के और काले रंग के हिजाब की जगह अक्सर गुलाबी रंग के रिद्दा पहनती है। गुलाबी रंग के अलावा ये महिलाएं लाल, हरे और नीले रंग के रिद्दा भी पहनती हैं। इतिहासकार और समाज शास्त्रियों का ये कहना है कि दाऊदी बोहरा महिलाओं का पारंपरिक परिधान रिद्दा है, जो इन्हें देश की बाकी मुस्लिम महिलाओं से अलग दिखाता है। और दूसरी तरफ बोहरा पुरुष सुनहरे रंग की टोपियां पहनते हैं, जिन पर अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। बोहरा समुदाय के पुरुषों का ये कहना है कि आप बोहरा को देश की बाकी मुस्लिम आबादी के साथ जोड़कर ना देखें, क्योंकि बोहरा शांति, प्रगतिशील और उन्नतिशील का प्रतीक है। बोहरा मुस्लिम्स ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। दाऊदी बोहरा जो है वो बाकी मुसलमानों से अलग कैसे? अलग है। वो मारने मरने के तुरारू हो जाते, उतारू हो जाते, गाली गलौज करते, उसमें पढ़े लिखे नहीं है, वो सब पढ़े लिखे नहीं, ढाई लोग कहता मैं उसको। हमारे मुल्ला जी, हम सीधे साधे, आप एक तमाचा मारोगे ना तो मैं दूसरा गल भी धर लूंगा कि मेरे को मार दो, झगड़ा नहीं करना है। तो वो आपको तो सीधे मारने खड़े हो जाएंगे। कुल हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियाँ भी नहीं? ना ना ना, नहीं होती। करने जाते हैं, करबला जाते हैं, रजब जाते हैं, मिसर जाते हैं, मदीना मक्का सब जगह जाते हैं। बहुत कम बस्ती हमारी, बहुत इनकी ज्यादा है, इनकी बस्ती ज्यादा है, हमारी बहुत कम है। जैसे Yeah! 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 Ye
मेरा नाम यूसुफ शब्बीर हुसैन बोहरा है। आज आपने बागी सदाम सरकार का स्वागत किया है, मुस्लिम समाज क्या बातें हैं, कैसे आपके मन में भाव आया? भाव हमारे सीतामू की जमीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामू धन्य हो गया और ऐसे गुरु का हम सब मिलके और स्वागत करते हैं। बोहरा ने खुद की पहचान पढ़े लिखे समृद्ध विश्व प्रेमी के तौर पर बनाने की कोशिश की है, इसलिए बोहरा मुस्लिम्स की हिंदुओं के सामने अपनी एक अच्छी पहचान बनाने की कोशिश रहती है, ताकि देश के दूसरे मुसलमानों से जोड़कर इनको न देखा जाए। और इस बात का जीता जागता एग्जांपल है कि कुछ बोहरा कम्युनिटी के मुसलमानों का बेहद ही श्रद्धा। तो यहाँ पर प्रश्न अब ये उठता है कि बोहरा मुस्लिम्स बीजेपी के सपोर्टर क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम्स पार्टी के रूप में देखा जाता है, पर फिर भी पिछले कई सालों से बोहरा कम्युनिटी का बीजेपी को पूरा समर्थन रहा है। तो दोस्तों, बोहरा मुसलमानों का बीजेपी को समर्थन देने का सबसे बड़ा कारण है कि गुजरात में बीजेपी के द्वारा व्यापारियों की सुविधाओं के लिए अच्छी नीतियां बनाना, जिससे बोहरा मुस्लिम्स अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से चला पाते हैं, इसलिए ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी बोहरा कम्युनिटी के सुख दुख में भी आगे रहते हैं, इसलिए भी पीएम और बीजेपी के लिए बोहरा का प्यार बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।